क्या टाइगर गए थे लंदन एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट्स के लिए? कौन सी एक्ट्रेस है फिल्म में सेकंड लीड? क्या एलिका है फिल्म में सोलो सॉन्ग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आजकल टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में हर एक्शन डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं और वो एक बार में कई फिल्में एक साथ शूट करते दिख रहे हैं और वो पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान में काफी कम टाइम बिता रहे हैं क्योंकि उन्हें आए दिन किसी न किसी मूवी के शूट के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो हीरोपंती 2 हो या गणपत। और वो अपने बाहर होने की खबर अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते रहते हैं। वो आए दिन फिल्म के सेट से पोस्ट्स और स्टोरीज डालते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक फोटो शेयर की जिसपे उनकी आंख पर चोट लगी थी और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये चोट गणपत के शूट के दौरान लगी थी। फिल्म गणपत के डायरेक्टर विकास बहल के अंडर बन रही आने वाली हिंदी फिल्म है। ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें की मेन लीड टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं और उनके ऑपोजिट लीड में दिखने वाली है कृति सैनन। आपको बता दें कि कृति और टाइगर की जोड़ी को दोनों की डेब्यू फिल्म हीरोपंती से ही काफी पसंद किया जा रहा है और फिल्म के मेकर्स काफी बार कोशिश करते आए हैं कि इनकी जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर उतारने की, लेकिन आखिरकार फिल्म गणपत से उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। तो फिल्म गणपत भी आजकल के ट्रेंड को फॉलो करती नजर आने वाली है, जिससे हमारा मतलब ये है कि इस फिल्म में भी दो मेन लीड एक्ट्रेस होंगी। पहली एक्ट्रेस की तो हम बात कर ही चुके हैं जो है कृति सैनन, और दूसरी एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो होंगी एक्टर और मॉडल एली अवरम, जो कि पहली बार बड़े पर्दे पे अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने आ रही है। पिछले दिनों ये खबरें भी आ रही थी कि फिल्म में एली का सोलो सॉन्ग भी हो सकता है। हालांकि अभी इन खबरों पे मेकर्स ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऐसा अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इसके पहले एली ने काफी फिल्मों में अपना उम्दा डांस के जलवे कई आइटम नंबर्स की मदद से फैलाए हैं। तो ये एक लाजमी बात मानी जा रही है कि वो अपनी इस फिल्म में भी एक सोलो आइटम नंबर करते दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में। बीते दिनों लंदन मानो कि टाइगर का दूसरा घर बन चुका है। उन्हें अक्सर वहाँ किसी न किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जाना पड़ता है, इसलिए लोग ये तक कहने लगे हैं कि लंदन उनका दूसरा आशियाना बन चुका है। अगर बात करें उनके आशियाने की तो टाइगर श्रॉफ के मुंबई में भी कम आशियाने नहीं है। उन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें लग्जरी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने का काफी शौक है। उन्होंने हाल ही में मुंबई में 8 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और इसके अलावा भी मुंबई में अल्ट्रा एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज में उनके 2, 3, 4, 5, 6 और 8 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। तो हम बेशक ये कह सकते हैं कि जितनी मेहनत टाइगर अपनी फिल्म्स में डालते हैं उनका पूरा हक बनता है कि वो अपने शौक भी पूरे करें। तो बस अब सभी को इंतजार है तो बस गणपत की रिलीज का, जिसकी रिलीज डेट इस साल दिसंबर की है। तो क्या आपको लगता है कि टाइगर एली के साथ भी बड़े पर्दे पर धूम मचा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।